मित्रों मुस्कुराते जाइए, करोड़पति बनते जाइए। दोस्तों मेरा यह मानना है कि यदि आपके पास मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं है तो मैं कहूँगा आपको कोई दुकान या बिजनेस नहीं खोलना चाहिए। आपके चेहरे की स्माइल उन सभी लोगों की जिंदगी को रोशन करती है जो आपको देखते हैं। दोस्तों मुस्कुराहट में एक धेला भी खर्च नहीं होता है, मगर इससे आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। मगर मुस्कुराहट को खरीदा या चुराया नहीं जा सकता है, ये तो आप स्वयं को इसे अपने चेहरे पर ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जब तक कोई मोल नहीं है, तब तक आप किसी दूसरे को इसे नहीं दे पाते हैं। मित्रों हम में से हर कोई आदमी प्रभावशाली बनना चाहता है और हर कोई आदमी प्रभावित दूसरों को प्रभावित कर सके ये कोशिश करते हैं। हमारा व्यवहार सबसे अच्छा हो, हमें हर कोई पसंद करे, ये हम सब की इच्छा रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी शक्तिशाली बने और हर किसी को प्रभावित कर सफलता पा सकें, तो आइए इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। मुस्कुराहट, अपने चेहरे की मुस्कान को बरकरार रखिए, इससे आप लोगों पर कुछ अलग ही प्रभाव डाल पाएंगे। अपने चेहरे पर स्वार्थ और लालच को ना झलकने दीजिए। आपके चेहरे का प्रभाव आपके कपड़ों और गहनों से भी ज़्यादा अच्छा पड़ता है। आपकी स्माइल कहती है कि मैं आपको देखकर खुश हुआ, इसलिए हम पालतू जानवरों से भी प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमें देखकर इतने खुश होते हैं कि खुशी से झूमने और उछलने कूदने लग जाते हैं। दोस्तों खुशी हासिल करने का एक ही रास्ता है, और वह है अपने विचारों को कंट्रोल कीजिएगा। सुख का या दुख का इससे कोई संबंध नहीं है कि आपके पास कितना धन है, आपके पास क्या है, आप कहाँ हैं और आप कहाँ रह रहे हैं। इसका संबंध तो इस बात से है कि आप क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं। दोस्तों मेरी नज़र में कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है, हमारा नज़रिया ही उसे अच्छा और बुरा बनाता है। मेरा मानना है कि ज्यादातर हम उतने ही खुश रहते हैं जितना हम खुश रहने का निर्णय कर लेते हैं। मित्रों इसलिए मैं कहूँगा आप दिल खोलकर मुस्कुराइएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। नित्य प्रति इसी तरह के वीडियो सुनने के लिए दो साथी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, ताकि प्रतिदिन नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले मेरा वीडियो आपको मिले। सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। एक बार दिल से जरूर मुस्कुराइएगा। नमस्कार।